भाजपा में प्रवेश नहीं किया, केवल समर्थन दिया है। इस संदर्भ में पत्र परिषद में निर्दलीय विधायक किशोर जोरगेवार ने जानकारी दी। चंद्रपुर शहर के विकास के लिए तथा यहां के निवासियों को 200 यूनिट बिजली मुफ्त दिलाने समेत अन्य अनेक मांगों को गंभीरता से लेने की शर्त पर भाजपा सरकार को समर्थन देने की बात कही, परंतु भाजपा का दामन नहीं थामा है। निर्दलीय विधायक किशोर जोरगेवार ने शुक्रवार को पड़ोली में आयोजित पत्र परिषद में कहा कि राजनीतिक विरोधक उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि शराबबंदी हटाने या लागू रखने का मामला राज्य सरकार का है, फिलहाल इस विषय को लेकर सरकार की नीतियों पर टिप्पणी नहीं की जा सकती। चंद्रपुर वासियों को 200 यूनिट बिजली मुफ्त मिलना चाहिए, इसके लिए भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस के समक्ष अपनी मांग रखी गई है। साथ ही शहर में जमीन के पट्टों का मालिकाना अधिकार दिलाने की मांग से भी उन्हें अवगत कराया गया है। उन्होंने कहा कि जिले में अवैध धंधों पर पाबंदी लगाने के लिए प्रयास किए जाएंगे, जनता को नियमित जलापूर्ति उपलब्ध कराना हमारा मकसद है। वहीं चंद्रपुर शहर को प्रदूषण मुक्त कराना हमारी प्राथमिकता होगी। अधिकार दिलाने की मांग से भी उन्हें अवगत कराया गया है। जिले में अवैध धंधों पर तत्काल पाबंदी लगाने के लिए प्रयास किए जाएंगे, जनता को नियमित जलापूर्ति उपलब्ध कराना हमारा मकसद है। चंद्रपुर शहर को प्रदूषण मुक्त कराना हमारी प्राथमिकता होगी, साथ ही जिले में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए अथक प्रयास किए जाएंगे। चंद्रपुर शहर के 40,000 से अधिक नागरिक अपने मकान के मालिकाना पट्टों के लिए बरसों से संघर्ष कर रहे हैं, किंतु उनकी मांग को सरकार ने अब तक अनसुना किया है। इस विधानसभा के चुनाव में चंद्रपुर वासियों ने भाजपा और कांग्रेस को नकारते हुए बड़ी संख्या में वोट देकर हमें जिताया है। स्थानीय समस्याओं को लेकर लगातार संघर्ष करते रहने की बात कही। जनता पार्टी मध्ये प्रवेश केलेला ज्यांना समजते राजकारण त्यांनी हे कधी म्हणणार नाही की मी भारतीय जनता पार्टीमध्ये प्रवेश केलेला आहे। साधारणतः 20 अपक्ष आमदार निवडून आलेले आहेत, या 20ही आमदारांनी त्याच्यापैकी साधारणतः 13 ते 15 लोकांनी देवेंद्रजी फडणवीसला समर्थन केलेलं आहे, 5 ते 7 लोकांनी उद्धवजी ठाकरेंना समर्थन केलेलं आहे। अपक्ष उमेदवार निवडून आल्यानंतर कोणत्या तरी ज्यांचं सरकार स्थापन होणार आहे त्यांना समर्थन करणे आणि त्याच्या सरकारसोबत राहून त्यांच्या मतदारसंघातले विकासाचे जनतेचे प्रश्न सोडवण्यासाठी मदत घेणे हा एकदम सरळ सरळ विषय आहे। त्याच्यामुळे मी भारतीय जनता पार्टीमध्ये प्रवेश केला हा संभ्रम आहे, तुम्ही योग्य शब्द वापरला। मी भारतीय जनता पार्टीमध्ये प्रवेश केलेला नाही आहे आणि करण्याचा प्रश्नही येत नाही। निश्चितपणे सरकारला त्यांच्या विधान सभागृहातल्या कामासाठी म्हणून मी माननीय मुख्यमंत्र्यांना मी समर्थन केलं आहे। इथे मात्र जे जे जनतेचे प्रश्न आहे ते प्रश्न मी प्राणपणाने सोडवण्याचा प्रयत्न करणार आहे। दुसरं मी तुम्हाला सांगू इच्छितो, माझी जी संघटना होती सामाजिक ज्याचं स्वरूप आहे यंग चांदा ब्रिगेड, त्याचं राजकीय म्हणून मी त्याचा नोंदणी करतो करण्याचा प्रयत्न करतो आणि त्या माध्यमातून नगरपालिका महानगरपालिका आणि पुढच्या निवडणुका लढवण्याच्यासाठी म्हणून सुद्धा पण विचार